और अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां 10,000 की रिश्वत लेते उप निरीक्षक को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पीड़ित रामजी परिहार ने आरोप लगाते हुए बताया है कि अजीतमल कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सुरेश चंद्र ने एक मुकदमे में चार्जशीट लगाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित ने कानपुर लखनऊ एंटी करप्शन की टीम से इस पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद 10,000 रुपए की रिश्वत लेते उप निरीक्षक को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं कानपुर एंटी करप्शन की टीम ने उप निरीक्षक सुरेश चंद्र को भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत औरैया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। यह मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अटसू चौकी का बताया जा रहा है। और मैं जब चौकी गया तो मुझसे कहा तुम्हारी विवेचना मेरे पास है और इसमें गवाह दिलवाओ। मैंने सब ठीक करना गवाह बोलो, अगर नहीं तो पहले मैं एफ आर लगा देता, लेकिन गवाह दिलवा दो तो और ठीक करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझसे 10,000 रुपये की मांग की, मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा रुपये जी मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कहीं से भी लाओ, ऊपर भी देने पड़ते हैं सब जगह। तो मैंने कहा ठीक है, व्यवस्था करता हूँ। इसकी शिकायत मैं काफ़ी बार पीड़ित हो चुका हूँ। पूर्व में सिपाही दरोगा जी थे देवेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने भी मांग की थी। उसकी शिकायत भी मैंने डी साहब से की है, उसकी जांच वर्तमान में अपर साहब कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं काफ़ी पीड़ित हो गया, परेशान हो गया, तो मुझे एक नंबर मैंने निकाला गूगल से एंटी करप्शन टीम का। तो इस सारी शिकायत मैंने एंटी करप्शन टीम से जाकर लखनऊ जाकर की, तो उनके द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद आज वो मेरे साथ आए। वो भी मौके पर थे, डी एम साहब के दो गवाह के साथ में, वो भी वहाँ मौके पर थे। और दरोगा जी ने मुझसे 10,000 रुपये की रिश्वत ली, जिसको उन्होंने एंटी करप्शन की टीम प्रभारी जी ने और भी टीम के साथ में उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो है औरैया कोतवाली में आगे कर रहे हैं। थोड़ी आपकी हालत बिगड़ गई थी, क्या कारण था? मतलब मानसिक टेंशन था, क्योंकि जो और भी एसआई थे, इनके द्वारा भी और भी एसआई है, तो मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मेरे बहुत टेंशन भी थी। और यहाँ के जो उच्च अधिकारी है, उनका कोई मतलब रवैया मुझे ठीक है यार, उनसे शिकायत करो। मैंने इसकी भी शिकायत उन्होंने की थी, तो वो एक बोले प्रूफ दिखाई है, मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं। तो मैंने आज प्रूफ के साथ इसी को साबित कर दिया कि जनपद औरैया में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं मुझे कहीं ये टेंशन तो नहीं, तो मैं ये कि कहीं आगे कोई फर्जी मुकदमे का? नहीं, बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है यहाँ का, वो मुझे घेरेगा। और मेरा भाई का जो है जैसे वीडियो उसने टेस्ट दिया, उसके खिलाफ भी मुकदमा रचेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। और मुझे भी ये पूरा भरोसा है, पीएम मेरे ऊपर।